अंधविश्वास पे काम करती हूँ। जैसे गांव के लोगों में क्या है कि अंधविश्वास भरा हुआ है, वो बच्चे भी वही घरों से सीख के आते हैं। क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए उनकी जो दादी लोग हैं वो भूत प्रेत इसमें ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो मैं स्टेज शो के द्वारा ढोंगी बाबा का एक मैंने नुक्कड़ नाटक बनाया है, जिसका शो करके मैं उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित करती हूँ, और उस शो के द्वारा मैं उनमें जागृति उत्पन्न करती हूँ। जैसे फ़ोटो से बबूत झड़ना, नींबू का उछलना, नींबू निचड़ने पर खून गिरना, ये सब का प्रयोग करके मैं उनके अंधविश्वास को दूर करती हूँ। जैसे पीपल के पेड़ में पानी क्यों देते हैं, इसलिए नहीं कि उस पर भगवान रहते हैं या उस पर दिन उगने के बाद भूत आ जाते हैं। मैं ये समझाती हूँ कि पीपल का पेड़ मुझे 100% ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको मैं पानी देती हूँ कि वो हरा भरा रहे। उसमें जो अच्छा डाला जाता है वो पक्षियों और गुड़ जो देते हैं वो चींटियों का भोजन बन सके। मेरे इस बच्चे जब खुद करके सीखते हैं TLM तो उनका ज्ञान स्थायी होता है और संप्राप्ति स्तर बढ़ता है। इसके बहुत सारे लाभ हुए हैं। अभी सन 2014 में नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी में हमारे बेसिक के क्लास 8 का बच्चा राज्य स्तर पर प्रथम आया। इसके अलावा 2015 में राष्ट्रीय एकीकृत अल्पाय परीक्षा में 4 बच्चों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की, जो 1200 रुपये हर महीने उन्हें इंटर तक मिलता रहेगा। तो ये उनके जीवन के लिए भी लाभान में भी लाभ करता है, उनकी आगे की शिक्षा में सहयोग करेगा। एक मैं और छोटा सा प्रयोग आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि बच्चे सर ये है आज्ञाकारी बोतल। अब ये बहुत सिंपल सा मेरा प्लास्टिक का एक बोतल है, मैं बच्चों से कहूँगी कि जादू की बोतल है मैजिक ट्रिक्स में, और जब मैं इस ग्लास लगा दूंगी तो पानी गिरने लगेगा, और ग्लास हटा लूँगी तो पानी बंद। जैसे ही मैंने ग्लास लगाया इसके नीचे पानी आने लगा, और जैसे ही मैंने ग्लास हटाया तो पानी बंद। इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल सा क्रिया है। ये वायु दाब पे ये क्रिया काम कर रही है, ये एक्सपेरिमेंट। मैंने नीचे एक छेद बनाया हुआ है और एक ऊपर भी छोटा सा छेद बनाया है। जब मैं अगर मैं ये छेद से उंगली हटा ले रही हूँ तो ये एयर प्रेशर काम कर रहा है और पानी नीचे गिर रहा है। जैसे ही मैं इस पर उंगली रख रही हूँ तो एयर प्रेशर कहीं से एयर नहीं आ रहा है और बंद हो जा रहा है। इसको जीवन में हम कोरिलेट करते हैं किससे, ग्लूकोज जो कि हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो उससे हम इसको जोड़ते हैं कि ग्लूकोज की बॉटल में छोटा सा छेद कर देते हैं और शरीर में बॉडी ग्लूकोज जाने लगता है। अब इसमें